बैलेस थिएटर वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के सॉन्ग के बारे में। पुष्पा की पार्ट 1 हिट हुई, पुष्पा 1 के डायलॉग्स, एक्टिंग, सॉन्ग और एक्शन एकदम मस्त थे, लेकिन पार्ट 2 में अभी जो पुष्पा 2 का जो सॉन्ग रिलीज हुआ है वो पार्ट 1 के समानता के आइटम सॉन्ग आगे बिल्कुल फीका है। किसी सॉन्ग उसकी कोई मुकाबला ही नहीं कर सक समंथा के सॉन्ग के आगे। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी लिरिकल वीडियो ही डाला गया है यूट्यूब और इन सभी पे जो रिलीज़ हुआ है, इसके हिसाब से अपन गाने को बुरा नहीं बोल सकते। पूरा सॉन्ग आने के बाद बता पाएंगे कि सॉन्ग हिट है या फ्लॉप है। देखो भाई लोग, पुष्पा 2 का मेरे को तो बेसब्री से इंतजार है, आप लोग इंतजार कर रहे हो या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। पुष्पा 1 थिएटरों में दोबारा लगा दी गई है, लेकिन 2 दिन में ही पुष्पा 2 ने रिलीज होने 40 लाख का कलेक्शन दोबारा रिलीज होने के बाद कर लिया है। वैसे बिना देखे ये नहीं बताया जा सकता कि श्रीलीला का आइटम सॉन्ग समंता से बेटर है या नहीं, फिर अल्लू अर्जुन के साथ उनकी केमिस्ट्री ये बोले या फ्लॉवर नहीं वर्ल्ड फायर भी हो सकती है या होगी, ये तो सॉन्ग आने के बाद ही हम बता सकते। ट्रेलर के बाद से ही फिल्म का अलग ही माहौल बन गया है, लेकिन एक चीज़ है जो हर किसी को पार्ट 2 का म्यूज़िक जो कि सच में पार्ट 1 से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पार्ट 1 के जो सॉन्ग थे वो अलग ही लेवल के थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्ट 1 के म्यूज़िक को पार्ट 2 से कंपेयर किया जा सकता है। नारे बाबा ना, ये नहीं हो सकता। पुष्पा के ट्रेलर में लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी इंटरेस्ट दिखाया है। पुष्पा 2 के ट्रेलर में कोई भी कमी हमको देखने को नहीं मिल सकती। क्रिएटर्स ने ऐसा क्लिप किया है ट्रेलर को कि उसमें अलग ही लेवल का एक इंटरेस्ट और हर चीज़ जो दिखानी है वो देखने को हमें मिली है। क्योंकि इसमें जो पुष्पा भाव का एक्शन कितना दिखाना है क्या शॉर्ट्स है क्या, सब एकदम परफेक्ट कतई जहर तरीके से दिखाया गया है। पुष्पा पार्ट 2 में एक जो डायलॉग है ना, वो एक सीन KGF का कॉपी लगता है, आपने भी नोटिस किया होगा, जहां KGF में रॉकी भाई एक सोने की बिस्किट के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, वहीं हमारे पुष्पा भाव भी किसी से कम थोड़ी हैं। एक आना हो या 8 आना हो, अपने हक का लेकर रहेंगे। और फिर हमको जापान में लड़ाई करते हुए डायरेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि पुष्पा भाऊ अब फायर नहीं वर्ल्ड फायर बन गए हैं। अब उनका बिजनेस नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि अब वो सिंडिकेट के मालिक, पूरा सिंडिकेट अब वही देखते हैं, 2 नंबर का सभी वही करते हैं, तो अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गए। अब रही श्रीलीला के आइटम सॉन्ग की बात, तो वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा सॉन्ग है। वेल पर कुछ हो ना हो, श्रीलीला का जो लुक है ना सॉन्ग में देखने को मिला है वो लुक नेक्स्ट लेवल है। आपको उनका लुक देखकर कैसा लगा पुष्पा भाव के साथ कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।